तो शुरू करेंगे जी, इलस्ट्रेशन नंबर वन से एक बार आइए जी पढ़ें। ट्रायल बैलेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ मेसर्स दीपाक्षी शोज फॉलोइंग डिटेल्स। परचेज एंड सेल्स, तो इसमें से बताओ परचेज कौन सा होता है? डेबिट वाला। और सेल हो गया क्रेडिट वाला। डेटर एंड क्रेडिटर कौन सा होता है? ठीक है। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अच्छा, तो इसमें फिक्स्ड एसेट कौन सा होगा? डेबिट वाला। और लाइबिलिटीज कौन सा होगा? क्रेडिट वाला। फिर है कैपिटल। चलो, तो इस पर पहले, सबसे पहले हम सवाल शुरू करने से पहले एक गंभीर चर्चा आपके साथ करेंगे, तो रजिस्टर खोल लो फटाफट। तो रजिस्टर में एक स्टार डाल के लिखना, क्लोजिंग स्टॉक। एक छोटी सी हेडिंग बना लेना क्लोजिंग स्टॉक, इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करनी है आपके साथ। तो आपको समझाने के लिए मैं एक टाइम स्केल डायग्राम बना लेता हूँ। टाइम स्केल डायग्राम में मान लेते हैं साल का जो पहला दिन है, तो हमारे पास चार डब्बे हैं। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपने पांच डब्बे और खरीद लिए, 1 2 3 4 5। तो आपके पास कितने डब्बे हो गए? 9 डब्बे हो गए। फिर मान लेते हैं कुछ दिनों के बाद आपने 3 डब्बे बेच दिए, 1 2 3। तो आपके पास कितने डब्बे बच गए? 6 डब्बे बच गए। तो यहां पर मैं, क्योंकि डब्बों के टर्म्स में समझा रहा हूं सिर्फ क्लैरिटी के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रायल बैलेंस में सर डब्बे लिखते हैं क्या। नहीं, ट्रायल बैलेंस में तो मॉनेटरी वैल्यू लिखते हैं, लेकिन क्योंकि समझाने के लिए मेरे को कॉन्सेप्ट की कुछ बात चर्चा करनी है, तो इसीलिए मैं आपके साथ चर्चा इस प्रकार से कर रहा हूं कि हम अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक जो होता है उसको शो करते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास कितने डब्बे ओपनिंग में थे, बताओ कितने डब्बे ओपनिंग में थे? चार। तो हम कहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक 4। फिर हम कहते हैं कि हमने खरीदे डब्बे, तो हम परचेज को भी ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। हम कहते हैं परचेज करे डब्बे कितने? 5। तो डेबिट साइड पे कितना हो गया टोटल? 9। फिर जो हमने सेल करे, मान लेते हैं सेल, हम अपनी सेल को भी ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। हम कहते हैं हमने सेल करे डब्बे, तो सेल कितने करे? 3। तो क्रेडिट साइड पर शो कर देते हैं 3। ठीक है, राइट। तो आप ये बताओ, साल के एंड में हमारे पास कितने डब्बे बच गए हैं? 6 डब्बे बच गए हैं। तो भाई सब बच्चे इसमें सहमत हैं पहले कि साल के एंड में हमारे पास कितने डब्बे अनसोल्ड बचे हैं? 6। तो अनसोल्ड डब्बों को कहते हैं अंग्रेजी में क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब देखो, अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं अनसोल्ड डब्बे यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 6, उन्हें ट्रायल बैलेंस में अगर मैं शो कर दूं कि क्लोजिंग स्टॉक 6 डब्बे, तो आपको नहीं लगता कि ये डुप्लीकेशन हो गया इसमें थोड़ा सा? डुप्लीकेशन क्यों हो गया, सोचो आराम से। ये जो 6 डब्बे हमारे पास क्लोजिंग में बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 डब्बे बचे हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 31 मार्च को रात को बारिश हुई और वहां से डब्बे प्रकट हो गए। आपने डब्बे या तो ओपनिंग में, जो आपके पास 4 डब्बे थे, और या आपने 5 डब्बे और खरीदे, यानी कि इन टोटल 9 डब्बों में से 3 बिक गए और 6 नहीं बिके, यही हुआ। तो इसका मतलब ये जो 6 डब्बे अनसोल्ड हैं, ये कहीं ना कहीं ओपनिंग स्टॉक या परचेज का ही पार्ट रहे होंगे। क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हो? मेरी बात सब बच्चों को समझ आ रही है? तो अगर हम ओपनिंग स्टॉक को और परचेज को ऑलरेडी डेबिट में शो कर रहे हैं 4 और 5, और उसके बाद दोबारा से क्लोजिंग स्टॉक को अलग से और अगर मैं शो कर दूं 6,
तो ये तो डुप्लीकेशन हो गई ना डब्बों की भाई। ओपनिंग स्टॉक के 4 खरीदे 5 और उन्हीं में से बचे हुए 6 डब्बे हैं, तो मैं उन्हीं को अलग से भी दिखा दूंगा तो डुप्लीकेशन हो गया। तो इसी रीजन की वजह से कभी भी क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं हो रहा होता। तो आपने पढ़ा होगा ना वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक, इसीलिए आपको हमेशा कहां दे रखा होता है, एज एडजस्टमेंट, अलग से दे रखा होता है। ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होता है, ये कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दे रखा होता। पहले इतना क्लियर हो गया कि क्यों नहीं दे रखा होता। अच्छा, अब लेकिन कभी कभी कुछ होते हैं दूसरे प्रकार के मुंशी। अब बड़े ध्यान से सुनना तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लेते हैं ओपनिंग में है हमारे पास 4 डब्बे और आपने मान लेते हैं खरीद लिए हैं 6 डब्बे, तो कितने हो गए आपके पास टोटल 10। और फिर मान लेते हैं आपने बेच दिए हैं 5 डब्बे, तो आपके पास कितने बच गए 5। वेरी गुड, तो इसका मतलब आपके पास क्लोजिंग में बच गए 5। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, कभी कभी कुछ दूसरे प्रकार के मुंशी होते हैं, वो क्या कहते हैं या उनका क्या मानना है, फिर आप बताना कि सर आप उनसे सहमत हो गए नहीं। वो ये कहते हैं कि चलो ओपनिंग में हमारे पास 4 डब्बे थे तो हम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा देते हैं ओपनिंग स्टॉक 4। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास हमने खरीदे 6 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 डब्बे खरीदे, तो वो क्या करते हैं, वो अभी परचेज को 6 डब्बे फिलहाल अंदर के कॉलम में दिखाते हैं, कहते हैं फिलहाल अभी इसको हम अंदर लिख रहे हैं 6 डब्बे खरीदे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने 5 डब्बे बेच दिए तो ये कहते हैं सेल हो गई 5 डब्बों की। अब ये मुंशी कहते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक में 5 डब्बे बचे हुए हैं ना, इसका मतलब जो ये हमने खरीदे थे उन्हीं में से कोई 5 डब्बे ये बचे होंगे जो बिक नहीं पाए, ये ऐसा मानते हैं। ये कहते हैं कि ये जो 5 डब्बे हैं क्लोजिंग स्टॉक में, ये वो वाले डब्बे होंगे जो हमने खरीदे हैं पर बिक नहीं पाए, तो ये अपने परचेज की वैल्यू को सिर्फ 1 दिखाते हैं। ये कहते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि परचेज सिर्फ 1 डब्बे की है और क्लोजिंग स्टॉक के जो 5 डब्बे हैं उन्हें ये अलग से दिखाते हैं और फिर वो क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं 5। तो दूसरे प्रकार का जो मुंशी होता है वो ऐसे मुंशीगिरी कर रहा होता है। अच्छा, अब इसको अगर हम ये सोचें कि मान लो हम ना करते ऐसे और हम अपने लॉजिकल तरीके से ही करते, तो आप ओपनिंग स्टॉक दिखाते 4 डब्बों का, आप परचेज दिखाते कितने डब्बों की 6 डब्बों की, और आप सेल दिखाते कितने डब्बों की 5 डब्बों की, और क्या आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते ट्रायल बैलेंस में, नहीं दिखाते। लेकिन दूसरा मुंशी कहता है कि मैं परचेज को खाली 1 डब्बा दिखाऊंगा और मैं अलग से क्लोजिंग स्टॉक 5 डब्बे दिखाऊंगा, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या टोटल आंसर पे? नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन बदल रही है। अल्टीमेटली आप ध्यान से देखो, एक बार हाईलाइट कर देता हूं, तो परचेज अगर वो 1 डब्बा दिखा रहा है और क्लोजिंग स्टॉक अलग से 5 डब्बे दिखा रहा है, तो कुल मिला के डब्बे तो 6 ही बन गए ना डेबिट में। तो पहला मुंशी परचेज को 6 दिखा देता है और फिर वो क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाता, लेकिन दूसरा मुंशी परचेज को एडजस्ट कर देता है। वो कहता है मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इसमें से माइनस कर रहा हूं, तो इसका मतलब उसने परचेज को एडजस्ट कर दिया और उसने परचेज को खाली 1 शो कर दिया और बचे हुए 5 डब्बे क्लोजिंग स्टॉक के उसने अलग से शो कर दिए। तो आपको समझ आ रहा है दोनों बातें, मुंशियों के अलग अलग तरीके। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला हमारे लिए, क्या कंक्लूजन निकला जो मैं आपको लिखवाऊंगा, मेन मुद्दा है ना, हमने हेडिंग डाली ना क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं आपको इससे ये निष्कर्ष लिखवाऊंगा, ये कॉन्क्लूजन लिखवाऊंगा, मेन मुद्दा। तो लिखो आप भी अब मेरे साथ साथ, ये लाइन लिखनी है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये लाइन लिखो कि व्हेन एवर क्लोजिंग स्टॉक, व्हेन एवर क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, कभी भी क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा हो तो बताओ ये किस चीज की पहचान होगी, देन इट मीन्स, हाँ तो इसका मतलब होता है देन इट मीन्स
परचेजेस आर एडजस्टेड, तो इसका मतलब ये होता है, इसको चाहे ब्लॉक बना लो, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस में दिखने का मतलब ये होता है कि परचेज एडजस्ट कर दी गई है। मुंशी ने परचेज को एडजस्ट कर दिया है, उसने परचेज 6 नहीं दिखाई, उसने परचेज खाली 1 दिखा रखी है। इसका मतलब मुंशी ने परचेज को एडजस्ट कर दिया। समझ आ गया क्या लिख रहे हैं हम पॉइंट? तो अब कौन बच्चा ये बताएगा कि इसका मतलब एडजस्टेड परचेज किसे कहते हैं? आपने 1 जो आंसर निकाला है वो कैसे निकाला है? 6-5 है ना, 1 आंसर कैसे निकला? 6-5। तो एडजस्टेड परचेज किसे बोलते हैं? परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये लिख लेना आप। तो अगर ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा होता है तो ये इस बात का प्रमाण है कि परचेज एडजस्टेड है। तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक का नजर आने का मतलब है कि वो इस बात का सबूत है कि परचेज इज एडजस्टेड है। अब आप आ जाओ सवाल पे वापस। तो अब आप देखो जी, उसने लिखा था कि ये डिटेल्स दे रखी हैं, तो उसने हमको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है यहां पर, है ना। तो थोड़ा सा अब हम सतर्क रहेंगे। तो परचेज है, सेल है, डेटर है, क्रेडिटर है, ओपनिंग स्टॉक है, और साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी उसने दे रखा है। अदर एक्सपेंस है, इनकम है, फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, कैपिटल है। तो बताओ ये क्लोजिंग स्टॉक, ये ट्रायल बैलेंस में आने का मतलब कि ये क्या सबूत दे रहा है चिल्ला चिल्ला के कि परचेज जो है इसका मतलब वो एडजस्टेड है। इसका मतलब परचेज जो है वो एडजस्टेड है, यानी कि ये जो 10 लाख रुपए परचेज की फिगर आ रही है ये क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके आ रही होगी। तो टेक्निकली इसका मतलब, वैसे इसकी परचेज 13 लाख रुपए की रही होगी। बात समझ में आ रही है आपको? वो तो इसने 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर दिया होगा और इसीलिए वो परचेज एडजस्ट करके खाली 10 लाख दिखा रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक वो अलग से 3 लाख दिखा रहा है ट्रायल बैलेंस में। तो उसकी चाल को आप समझे कि नहीं? समझ गए उसकी चाल? ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। चलो, तो ये तो हम अभी निकालते हैं साथ साथ। और दूसरा कह रहा है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। चलो, तो ये भी मैं साथ साथ ही निकलवाऊंगा। आइए, तो सॉल्यूशन साथ साथ ही बनाएंगे। सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला लिखना है पहले। तो ये हमने लिख लिया था पहले एक लेक्चर में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई हैं तो, प्लस परचेजेस अगर कोई है तो, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है ये। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक की क्या वैल्यू दे रखी है? ओपनिंग स्टॉक की 2 लाख, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस की क्या वैल्यू दे रखी है? कुछ भी नहीं, 0। डायरेक्ट एक्सपेंस कोई दे नहीं रखी। अच्छा, अब ध्यान से देखना, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बच्चों जी परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक को क्या कहते हैं हम? एडजस्टेड परचेज कहते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या फॉर्मूले में, प्लस एडजस्टेड परचेज, ऐसा लिख लूं क्या? क्योंकि वो दोनों मिलकर यही बनते हैं, तो ऐसा लिख लेते हैं एक बार क्लैरिटी के लिए। तो फॉर्मूला जो है वो ये बन गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस एडजस्टेड परचेज, क्योंकि इसको हम एडजस्टेड परचेज कहते हैं। तो एडजस्टेड परचेज कितनी दे रखी है? 10 लाख। तो इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आ गया 12 लाख। तो दिस इज योर आंसर।
तो जिस बच्चे को लेकिन एडजस्टेड परचेज की कहानी नहीं पता होगी या क्लोजिंग स्टॉक की ट्रिक का नहीं पता होगा, वो गलती क्या करेगा, वो मतलब परचेज भी लिख लेगा 10 लाख और फिर वो क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लेगा 3 लाख। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो इसका मतलब परचेज जो है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, परचेज में से वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन की चाल होती है। अच्छा जी, अब है दूसरा। उसने कहा कि कैलकुलेट करो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। चलो तो कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। तो इसी के नीचे आप आओ मेरे साथ, बनाओ एक क्रेडिटर अकाउंट और आपको बचपन में ले चलते हैं। बचपन में आप एक जर्नल एंट्री करते थे, तो मैं ट्रांजैक्शन बोलूंगा, जर्नल एंट्री आपको बोलनी है, ठीक है? ट्रांजैक्शन मैं बोल रहा हूं, तैयार रहो। ट्रांजैक्शन का नाम है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। उधार पे गुड्स खरीदते हो ना आप क्रेडिटर से, तो उसकी पोस्टिंग क्रेडिटर अकाउंट में क्या बनेगी, बाय परचेज। फिर जिससे आपने उधार पे गुड्स खरीदे, मान लो क्रेडिटर या रामू, फिर आप उस रामू को 2 महीने बाद पैसे भी दोगे, पे करोगे, तो आपकी ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू रामू, तो क्या एंट्री बनेगी, रामू डेबिट टू कैश, तो उसकी भी पोस्टिंग कर लो, यानी कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्वेश्चन आपसे ये निकलवाना चाहता है, क्वेश्चन आपसे ये फिगर निकलवाना चाहता है कि बताओ आपने क्रेडिटर को कितने रुपए पे करें। क्वेश्चन आपसे ये फिगर निकलवाना चाहता है, समझ गए क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, ये फिगर। अच्छा जी, अब क्रेडिटर क्योंकि लाइबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी। चलो तो अब बताओ जी ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर का, दे रखा है नीचे 3 लाख, और 31 मार्च वाला कितना है, 4 लाख, और परचेज कितनी है, 13 लाख। बताओ परचेज 13 लाख आपको कैसे पता चली, हाँ जो मैंने सिखाई, मतलब सीधा जो मैंने सिखाई वैसे पता चली, परचेज 13 लाख थी ना, वो हमने शुरू में लिख लिया था कि भाई उसने तो एडजस्टेड परचेज दे रखी थी 10 लाख क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके, लेकिन परचेज इसका मतलब हुई कितनी होगी, 13 लाख, तो परचेज आ गई 13 लाख। तो अब आप निकाल लो टोटल करके कि कितने रुपए आपने क्रेडिटर को कैश पे कराए, 12 लाख। ओके, तो ये आ गया आपका दूसरे पार्ट का आंसर। तो इस इलस्ट्रेशन में हमको बस ये निकालना था, ठीक है? तो 2 पार्ट्स थे इसमें। चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर अब नेक्स्ट है 4, ये डिस्कस करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड एट 40,000। तो आपको मैंने सिखाया था जी एडजस्टमेंट में कि प्रोविजन 1 अप्रैल को जो दे रखा है 40,000, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओपनिंग प्रोविजन। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 31 मार्च 2020 वर 15 लाख, तो ये हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स 15 लाख रुपए। बैड डेट्स टोटल्ड 1 लाख रुपए, बैड डेट्स हमारे कह रहे हो गए हैं 1 लाख रुपए। तो ये एक तरह से कौन से बैड डेट्स मान लूं मैं, न्यू बैड डेट्स। ओल्ड कौन से होते हैं, ओल्ड कौन से होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं। अब ये क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब लग तो नहीं रहा ना ऐसा, क्योंकि उसने ट्रायल बैलेंस तो दिया ही नहीं, तो ये शक्ल से ट्रायल बैलेंस के अंदर तो नहीं लग रहे ना, ये तो बाहर लिखे हुए से लग रहे हैं। तो मैं इनको ओल्ड बैड डेट नाम ना दूं तो थोड़ा मेरे हिसाब से तो ज्यादा सही है। फिर वो कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स, कह रहे इन बैड डेट्स को हम राइट ऑफ कर देंगे। तो इस लाइन का बच्चों को सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वो तो हम वैसे भी करेंगे, वो लिख के क्या बता रहा है, बैड डेट्स हुए तो हम तो वो वैसे भी राइट ऑफ करेंगे, वो ना भी लिखता तो हम तो तब भी करेंगे। एंड
क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, और ये क्या था बताओ, क्लोजिंग प्रोविजन, वेरी गुड। कह रहा है 5% आपको प्रोविजन बनाना है ट्रेड रिसीवेबल्स के बैलेंस पर, यानी कि क्लोजिंग प्रोविजन। अब क्वेश्चन कह रहा है शो हाउ वुड यू कॉम्प्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। कह रहा है आप पीएनएल अकाउंट में कितने रुपए डेबिट करोगे वो कैलकुलेट करके दिखाओ। तो वही 11th वाला फॉर्मूला लगाएं या अकाउंट बनाएं, कैसे करना है? अकाउंट बना लेते हैं, चलो पीडीडी अकाउंट लिखो फिर। तो एक पीडीडी अकाउंट बनाओ, ढांचा सुंदर सुंदर ढांचा बनाओ, मैं भी बनाता हूं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, सुंदर ढांचा। तो सबसे पहले लिखो जी बाय बैलेंस बीडी, बताओ ओपनिंग प्रोविजन कितना है? 40, ठीक है। फिर क्या सिखाया था आप चेक कर सकते हो पीछे से, टू बैड डेट्स, वेरी गुड। डेबिट में लिखना है टू बैड डेट्स, तो चाहे ओल्ड हो तो भी और चाहे न्यू हो तो भी। तो हालांकि इसमें न्यू बैड डेट्स हैं कितने रुपए, 1 लाख, तो टू बैड डेट्स 1 लाख। फिर उसके बाद डेबिट में लिखना है टू बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग प्रोविजन। अब क्लोजिंग प्रोविजन आपको बनाना है कितना, 5%। तो प्रोविजन फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, है ना? तो ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब डेटर्स ही तो है वैसे तो, भाई टेक्निकली तो डेटर्स और बीआर दोनों के जोड़ को कहते हैं। बीआर का यहां पे कोई लिंक नहीं है, तो बीआर मतलब समझ लो जीरो। तो डेटर को ही एक तरह से क्या बोल दिया, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा जी, अब ये बताओ कि प्रोविजन 5% क्लोजिंग आप 15 लाख रुपए के डेटर्स पर बनाओगे क्या, या उसमें से नए बैड डेट्स 1 लाख के माइनस करके फिर बनाओगे? माइनस करके फिर बनाओगे, है ना? इस पर चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो अब पहले आप 15 लाख में से 1 लाख नए बैड डेट्स माइनस कर दो, कितना बच गया, 14 लाख। तो 14 लाख का 5% 70,000, ठीक है। तो 70,000 आ गया क्लोजिंग प्रोविजन। बस अब आप खाता बंद कर दो, अब आपका आंसर आ जाएगा जो हमने सीखा था कि पीएनएल में कितने रुपए ट्रांसफर होंगे, 1,30,000। तो ये आपका आंसर आ गया, तो इसका मतलब पीएनएल में हम 1,30,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। तो मेरे ख्याल से किताब वालों का आप चेक करोगे तो यही आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सर अब हम खुद करेंगे क्वेश्चन, कौन सा क्लास वर्क में, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है। ये सबसे सिंपल इलस्ट्रेशन है, ये वाला करना है पहले आपको, उसके बाद आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये तो और ज़्यादा सिंपल है। फिर उसके बाद आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है। फिर उसके बाद करना है आपको कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब पीछे आ जाना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। चलो तो पहले ये क्वेश्चंस करने, फिर चर्चा करेंगे।